प्रयागराज के घोरपुर थाना क्षेत्र में बीती रात घोरपुर थाना प्रभारी राजेश उपाध्याय द्वारा चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर की खास सूचना प्राप्त हुई कि डकैती गैंग का मुख्य लीडर अपने साथियों के साथ घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है। तभी सामने से 3 स्कूटी सवार लुटेरे बदमाश दिखाई पड़े। पुलिस को संदिग्ध लगने पर उनको रोकने की कोशिश की गई तो बदमाशों ने बैरियर को तोड़ते हुए भागने लगे और पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में घोरपुर पुलिस ने भी अपने बचाव के लिए फायरिंग की, जिसमें सोनू नामक लुटेरे बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल अवस्था में उसको निजी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। मौके पर पहुंचे सौरभ दीक्षित एसपी यमुनापार प्रयागराज ने मौके का जायजा लिया और बताया कि एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी और दो लोग अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्त परवीन ऑटोमोबाइल दंदुपुर से 85,000 की लूट वे शहीद अजय पेट्रोल पंप वे इरादतगंज ओवरब्रिज किराना व्यवसायी के साथ 2,70,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 315 बोर, एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, एक खोखा बरामद किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त ओवर आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 25 अगस्त 2021 की मध्य रात्रि में थाना भूरपुर जनपद प्रयागराज की पुलिस द्वारा बैरियर लगा करके चेकिंग की जा रही थी। जो भी संदिग्ध वाहन और व्यक्ति आते जाते हैं हमारे हाईवे एवं अन्य रस्तों के द्वारा, इसी दौरान एक स्कूटी पर 3 सवार आए, जिन्हें थानाध्यक्ष भूरपुर एवं उनकी टीम द्वारा हाथ से रोकने का इशारा किया गया। इस इशारे पर तीनों युवक पुलिस का बैरियर जंप करके भागे और पुलिस टीम द्वारा संदेह होने पर इनका पीछा किया गया और इनकी पीछा करके जब घेराबंदी की गई तो इन युवकों द्वारा पुलिस टीम पर फायर खोल दिया गया। जवाबी कार्रवाई में थानाध्यक्ष भूरपुर एवं उनकी टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिससे कि एक व्यक्ति के पैर में गोली लग गई और उसे तत्काल चिकित्सकीय उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल में भेजा गया है। अन्य जो दो युवक थे वो अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भागने में सफल रहे। जो घायल व्यक्ति है उसकी पहचान सोनू डांडी पुत्र नईम डांडी के रूप में हुई है। ये भड़रा गांव का रहने वाला है, जो कि थाना नैनी जनपद प्रयागराज में है। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में इसने स्वयं ये बताया है कि ये पहले भी अलग अलग थानों से लूट एवं लूट के माल बरामदगी के जैसे अपराध में जेल जा चुका है और ये एक पेशेवर लुटेरा है और इसके अन्य साथियों की भी तलाश सघन चेकिंग लगा करके की जा रही है। बहुत जल्द उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा।